HIV-positive होना एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है. मीन्स पेशेंट को बहुत डर लगता है कि HIV कहीं, अगर दोनों कपल नहीं इन्फेक्टेड है तो उनको पहला डर ये लगता है कि दूसरे कपल को नहीं इन्फेक्ट हो जाए, और अगर दोनों कपल ही इन्फेक्टेड होते हैं तो उनको ये डर होता है कि हमारे बच्चे में नहीं इन्फेक्ट हो जाए. प्लस उनको एक हेजिटेशन होती है किसी भी डॉक्टर के पास आने में और डिस्कस करने में कि वो HIV पॉजिटिव है. तो इस तरह की चीज़ से पेशेंट को नहीं डरना चाहिए. अगर वो HIV पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसके बॉडी के अंदर एक वायरस है जिसका कि एक वायरल लोड होता है. तो पेशेंट का हम वायरल लोड चेक करते हैं. अगर वो वायरल लोड एक स्पेसिफिक पैरामीटर के नीचे आता है, जो उसकी वैल्यूज होती हैं, तो पेशेंट आराम से कंसीव कर सकता है. एंड उसमें इक्सी की पद्धति यूज़ होती है, जिससे कि एम्ब्रियो में HIV नहीं है. जो पेपर्स हैं बाहर के स्टडीज़ हैं, वो बहुत ही कम स्टडीज़ हैं, लेकिन जो कुछ पेपर्स हैं जो पब्लिश हुए हैं, जो ऑथेंटिक स्टडीज़ हैं, वो हमें ये बताते हैं कि एक भी बच्चे में HIV पॉजिटिव नहीं ट्रांसमिट हुआ था. एंड जो वाइफ होती है उनका वायरल लोड कम होना चाहिए, सो दैट कि वो उस HIV पॉजिटिव बेबी को अच्छे से कैरी कर सकें. जो उनके HIV के ड्रग्स होते हैं, जो HIV के डॉक्टर्स होते हैं, वो देते हैं और वो चलता रहता है. तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि उन दवाइयों का उनके जो बेबीज हैं उन पर कुप्रभाव पड़ेगा. पर ऐसा नहीं है. जो HIV के डॉक्टर्स होते हैं वो उसको अकॉर्डिंगली टाइट्रेट करके देते हैं. तो पेशेंट आराम से अपने खुद के स्पर्म और एग से और खुद के वूम से एक बच्चा कैरी कर सकता है और मातृत्व का सुख भोग सकता है. वो HIV पॉजिटिव है तो भी, अगर वो HIV प्रॉपरली कंट्रोल्ड है एंड इक्सी पद्धति के द्वारा हमने बच्चा किया है. यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले.